हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रशिता शो। तो खाने में हम लोगों को मसालों का यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत पुराने टाइम से बहुत तरह के मसाले चले आ रहे हैं जो हम खाने में यूज़ करते हैं। ये ना सिर्फ खाने के टेस्ट को बढ़ाते हैं, बल्कि ये जो मसाले हैं ये रेमेडीज़ के लिए भी, मतलब किसी न किसी उपचार के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। तो कोई ना कोई जो मसाला है वो किसी न किसी रेमेडीज़ के लिए यूज़ होता है। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली जायफल के बारे में कि जायफल के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, बच्चों के लिए ये किस तरीके से बेनिफिट करता है, बच्चे को कब से आप दे सकते हो, किस तरीके से दे सकते हो, तो वो सब आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जायफल की कि ये क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके, क्यों बच्चे को जायफल हमें देना चाहिए। तो जायफल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट्स ये है कि बच्चों को पेट की समस्याओं से ये दूर रखता है, क्योंकि जो छोटा बेबी होता है उसको स्टमक पेन रहता ही है, कई बार उसको गैस हो जाती है, कई बार उसको पेन वैसे रहता है क्योंकि दूध वगैरह लेता है तो कई बार ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो बच्चे को पेन वगैरह पेट में काफ़ी रहता है आप देखेंगे। तो मेडिसिन ना देके अगर आप जायफल थोड़ा सा बच्चे को देते हैं, आप डेली उसकी डाइट में जायफल को ऐड करते हैं, तो बच्चे की पेट की प्रॉब्लम्स जो है बहुत ज़्यादा दूर रहती हैं। उसको पेट की प्रॉब्लम्स होती ही क्यों नहीं है, लेकिन इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी एज से आपको देना है। पहले इसकी बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो बच्चे को पेट की समस्याओं से दूर रखता ही है। अगर बच्चे को गैस है, बच्चे को कॉलिक है, बच्चे को क्रैम्प्स वगैरह पड़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो बच्चे को पेट से रिलीफ देता है। सेकेंड है, बच्चे को डाइजेशन का जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं होता अगर आप ये उसकी डाइट में ऐड करके रखते हो, क्योंकि जब आप बच्चे की सॉलिड की जर्नी स्टार्ट करते हो वो दूध से एकदम से सॉलिड पे आता है, तो सॉलिड जब आप स्टार्ट करते हो तो बच्चे को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर सॉलिड देने के बाद में भी आप नए नए फूड उसको ट्राई कराते हो तो वो भी कई बार उसको डाइजेस्ट करने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, तो ये डाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आता है। मतलब आप जब सॉलिड बच्चे को दे रहे हो तो साथ में आप जायफल दे रहे हो तो खाना बच्चे को अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, उसको गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको कॉलिक का प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको पेट में दर्द नहीं होगा, तो ये डाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर जब बच्चे को डायरिया का या लूज़ मोशन का प्रॉब्लम है उसमें भी जायफल बहुत ही अच्छी रेमेडीज़ की तरह काम करता है। आप अगर बच्चे को लूज़ मोशन हो गए हैं, आप जायफल उसको दे देते हो तो उसके लूज़ मोशन में भी काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। कोल्ड और कफ़ के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब बच्चे को जब सर्दी जुकाम हो रहा है या ठंड के टाइम पे अगर जायफल को आप बच्चे की डाइट में ऐड करके रखते हो तो उसको ठंड का प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि ये बॉडी में जो है एक हीट जनरेट करता है, तो इसीलिए कहते हैं कि समर्स में इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में या अल्टरनेट डेज में लेना चाहिए, और विंटर्स में आप इसको रेगुलर भी थोड़ी सी क्वांटिटी बच्चे को दे सकते हो, जिससे उसकी बॉडी में थोड़ा हीट, थोड़ी गर्मी आती है, जिससे उसको कफ कोल्ड से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है, कफ कोल्ड से बहुत ज़्यादा उसको आराम मिलता है। फिर कुछ मदर्स जो हैं बच्चे को बच्चे के दूध में ये मिक्स करके बच्चे को देते हैं, कई बार जैसे बच्चा बाहर का दूध ले रहा है, एनिमल मिल्क ले रहा है, तो उसमें भी आप ऐड कर सकते हो इसको। बच्चे को नींद बहुत अच्छी आती है, बच्चा बहुत काम, बहुत रिलैक्स हो जाता है। मतलब बच्चे को बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आप जायफल का दूध उसको देते हो। बेसिकली उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है, तो आप बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी उसको दूध में भी दे सकते हो, उससे बच्चे को नींद वगैरह काफ़ी अच्छी आ जाती है, और क्योंकि इससे पेट दर्द की समस्या नहीं होती है तो रात को सोते टाइम बच्चे को ये स्टमक पेन का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। आप देखोगे कि बच्चा बार बार उठ रहा है, आपको आपको लगेगा कि उसको भूख भी नहीं लगी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रात को जो बच्चे रो रहे होते हैं एक्स्ट्रा, वो काफ़ी हद तक चांस होता है कि बच्चों को पेट में ही दर्द होता है, इसलिए वो सो नहीं पाते। तो जायफल अगर आप बच्चे की डाइट में ऐड करके रखते हो तो उनको सोने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहती है। फिर है कि सबसे ज़रूरी चीज़ कि कौन सी एज से आपको ये जायफल बच्चे की डाइट में ऐड करना है। तो जब भी आप बच्चे का सॉलिड स्टार्ट कर देते हो, करीब करीब 6 महीने के बाद से, जब बच्चा 6 महीने कंप्लीट कर लेता है उसके बाद से हम बच्चे की सॉलिड की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो जब आपने बच्चे को सॉलिड, मतलब उसको थोड़ा बहुत खाना आपने देना शुरू कर दिया है, जैसे हम शुरू करते हैं दाल का पानी, चावल का पानी, उसके बाद मैश्ड राइस एंड ऑल, तो दूध के बाद जब आपका बच्चा सॉलिड फूड पे आ गया है, जब आपका बच्चा खाने पे आ गया है, उसके बाद जायफल उसकी डाइट में आप ऐड कर सकते हो। कई बार ही कुछ पेरेंट्स 4 मंथ्स के बाद भी सॉलिड की जर्नी बच्चे की स्टार्ट कर देते हैं, मतलब बच्चे को खाना देना शुरू कर देते हैं, बट जायफल का मैं आपको रिकमेंड करूँगी
कि 6 मंथ जब बच्चा आपका कंप्लीट कर ले तभी से आप उसको दें। फिर है कि जायफल आपको बच्चे को देना कैसे, मतलब किस तरीके से आप दे सकते हो, क्योंकि ये आपने देखा होगा जायफल एक छोटा सा सीड टाइप होता है और उसको बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है ये, तो किस तरीके से आप बच्चे को दोगे? ग्राइंडिंग स्टोन या सिलबट्टा, अगर आप लोग जानते होंगे तो पत्थर का पहले के टाइम में चटनी बनाया करते थे उस पर, तो सिलबट्टा रहता है ग्राइंडिंग स्टोन, आप थोड़ा सा गूगल करके देख लेना। तो वो अगर आपके घर पे है तो आप उसको उसका यूज़ कर सकते हो, इसका इसका जो है पेस्ट रेडी करने के लिए, ये पेस्ट फॉर्म में आपको बच्चे को देना होता है, क्योंकि वैसे ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। अगर आप पाउडर फॉर्म भी इसका बनाते हो तो बच्चे को चोकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी में ही आपको तैयार करना है। तो आपने वो सिलबट्टा ले लिया या वो ग्राइंडिंग स्टोन ले लिया, पहले तो उसको आप अच्छे से वॉश कर लो। फिर जायफल जो आपने लिया है उसको आप अच्छे से वॉश कर लो, और सिलबट्टे पे आपको उसको थोड़ा थोड़ा सा घिसना है, आपको बहुत ही कम इसको घिसना है, क्योंकि एक बार में बहुत ही कम क्वांटिटी बच्चे को देनी होती है, तो बस जितनी क्वांटिटी आपको एक बार में बच्चे को देनी है उतना ही आप घिसो, बाकी इसको रख दो, और उसके बाद में जब दोबारा आपको बच्चे को देना है तो आप कर सकते हो। तो वही आपको बस जायफल को अच्छे से वॉश करना है, ग्राइंडिंग स्टोन को यानी सिलबट्टे को अच्छे से वॉश करना है, उस पर जो है पानी थोड़ा सा आप डालोगे 2-4 ड्रॉप्स, और उस पर आप जायफल को घिसते जाओगे तो आपको पेस्ट रेडी हो जाएगा, तो वो आप बच्चे को दे सकते हो। फिर है कि डोज़ कितनी होनी चाहिए, कितना आपको बच्चे को देना है, तो जायफल बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में आपको बच्चे को देना है, स्पून का जो स्टार्टिंग का बस हल्का सा टिप रहता है, मतलब बहुत ही कम आपको जायफल बच्चे को देना है, वो इतना सा भी बॉडी में जाके बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, तो लाइक 0.5 mg के बराबर करीब करीब इतना ही होना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि स्पून का जो आगे का टिप रहता है बिल्कुल ज़रा सा आपको ये बच्चे को देना है, जितनी छोटी सी टैबलेट होती है उससे भी कम आपको ये बच्चे को देना है। फिर जायफल के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, पर फिर भी मैं आपको कहूँगी कि कोई भी चीज़ जो आप बच्चे की डाइट में ऐड कर रहे हो, चाहे रेमेडीज़ के तौर पे आप ऐड कर रहे हो, एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि हर बच्चा थोड़ा अलग होता है, तो आपके जो डॉक्टर हैं बच्चे के वो बच्चे की बॉडी को ज़्यादा जानते हैं। तो जायफल बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी जायफल एक बार आप उसकी डाइट में ऐड करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें कि आप जायफल बच्चे को देना चाह रहे हैं। अगर वो आपको रेकमेंड करते हैं तो डेली बेसिस पे आप थोड़ा सा उसको दे सकते हो। विंटर्स में आप रेगुलर बेसिस पे भी दे सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है, मतलब गर्मी पैदा करता है थोड़ी सी बॉडी में, तो विंटर्स में आप रोज़ भी दे सकते हो, और समर्स में आप दे रहे हो तो समर्स में आप थोड़ा ऑल्टरनेट डेज पे दे दो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, तो आप ऑल्टरनेट डेज पे भी दे दोगे तो बच्चे के लिए अच्छा काम करेगा। अब बात करते हैं कि जायफल खरीदते टाइम, मतलब जायफल परचेज़ करते टाइम आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा जायफल ज़्यादा बेटर है? तो आपको बच्चे के लिए जो भी चीज़ लेनी है वो ऑर्गेनिक लेनी है, जायफल भी आपको ऑर्गेनिक ही परचेज़ करना है। ऑर्गेनिक जो भी चीज़ें रहती हैं वो केमिकल फ्री रहती हैं, जो बच्चे के लिए बहुत अच्छी होती है, तो आपको जायफल लेना है, ऑर्गेनिक लेना है। साइज़ में आप देखो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ नहीं होना चाहिए, अगर थोड़ा सा अच्छा सा बड़ा साइज़ है जायफल का तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो आप थोड़ा बड़ा साइज़ ले सकते हो। फिर है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप कभी भी इसको मत लो, क्योंकि बच्चे का एक जायफल ही काफ़ी दिन चल जाता है, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी बच्चे को देनी होती है। तो जायफल जब आप परचेज़ कर रहे हो तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में आप करो, क्योंकि इसके अंदर एक अच्छा सा अरोमा होता है, एक अच्छी सी खुशबू होती है, जब वो इसकी चली जाती है फिर ये आपको फिर से रिप्लेस करना पड़ता है, मतलब दोबारा से आपको परचेज़ करना पड़ता है, फिर वो जो जिसका अरोमा है, जिसकी खुशबू चली गई है, वो आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत छोटी सी क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में आप लें, जब आपका ख़त्म हो जाए तो आप दोबारा परचेज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक होना चाहिए और साइज़ में बड़ा होना चाहिए। फिर बात करते हैं कि इसके स्टोरेज की, कि इसको आपको रखना कैसे है। सपोज़ आप मार्केट से ले आए इसको, आपको कुछ नहीं करना, बस एक ग्लास का जार आप ले लो, जार एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, मतलब उसमें हवा का कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, तो बस जायफल उस जार के अंदर आप रख दो। फिर जब भी आपको यूज़ करना हो तो आप एक जायफल निकाल के इमीडिएट उसका ढक्कन बंद कर दो। जब जायफल हवा के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा देर तक रह जाता है तो इसका, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छा सा इसका अरोमा होता है, बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू होती है, तो जब वो चली जाती है तो फिर ये किसी काम का नहीं रहता। तो ज़रूरी है कि आप कांच के जार में इसको स्टोर करके रखो, जब भी आपको निकालना है, आपने एक या दो पीस जो भी आपको चाहिए किसी भी पर्पज़ से, तो वो निकाल के इमीडिएटली आप जार फिर से बंद कर दो।
कभी भी आपको लग रहा है कि इसकी खुशबू चली गई है, इसका अरोमा चला गया है, या जैसा आपने परचेज़ किया था अभी ये वैसा नहीं लग रहा, तो फिर आप इसको इमिजिएटली चेंज कर दो। फिर है बच्चे को जायफल देते टाइम क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए। तो जायफल के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, बच्चे को ज़रूर उसके डाइट में ऐड करना चाहिए, लेकिन रिकमेंडेड डोजेज से ज़्यादा, मतलब जितना डोज है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको देना है, स्पून का जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है बस उतने पे भी ज़रा सा लग जाएगा तो उतना काफ़ी है बच्चे के लिए। तो ज़्यादा क्वांटिटी में बच्चे को नहीं देना है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ये बॉडी में जाके बहुत अच्छा काम करता है, तो क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी में ही, मतलब वो बस घिस के जो पानी टाइप थोड़ा सा पेस्ट बन जाएगा वही बच्चे को देना है। आप ये सोचो कि पाउडर बना के फिर आप बच्चे को दे दो तो वो नहीं करना, बच्चे को चोकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चे को अटक सकता है, बच्चे को दिक्कत हो सकती है, तो उसका भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। स्टोरेज जैसे मैंने आपको बताया, हमेशा एयर टाइट ग्लास जार में ही उसको आपको रखना है, तो वो भी ध्यान रखना। साइज़ का भी मैंने आपको बता दिया कि बड़ा साइज़ आपको लेना है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो आई होप ये जायफल से रिलेटेड पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।